पेंट हो गई हमारी गाड़ी। ये यहाँ पे राघव ने घस दिया था, शुरू से बोलता है कि मैं गाड़ियाँ ठोकता हूँ। राघव हैज डन मोस्ट ऑफ द डैमेज ऑन ऑल आर कार्स। नहीं यार ये नहीं बोलता, मारेगा। सर आपको हमारा काम कैसा लगा बस बताइए। काम आपका एकदम मस्त है और सब मोटिवेशन इतना अच्छा है और सब ट्रस्ट पे काम चलता है आपका, इसके वजह से मैं यहाँ अंबरनाथ से यहाँ आया। थैंक यू। ये हैरियर पे हमने गरवारे का पीपीएफ किया हुआ है, सेल्फ हीलिंग। हमारे लिए मिठाई भी ले आए, अभी सर थे नहीं, वो मिल नहीं पाए, तो वो आने के बाद हम लोग उनको दे देंगे, लेकिन 10 दिन बाद वापस सर आने वाले अपने बेटे को लेके, तो तब वो मिल लेंगे। भाई इसको मिठाई मिली तो मैं तो पागल हो जाता, खुश हो जाता। इसको मिठाई मिलने पे देखो ये क्या हो गया, ऐसे लग रहा है इसको ना खुशी नहीं है, ऐसा लग रहा है इसको जबरदस्ती दे दिए। ऐसा सेम में तब होता था जब मुझे मेरे चॉइस के पटाखे नहीं मिलते थे दिवाली में, मैं ऐसे ही पटाखे लेके जा रहा होता था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिठाई खा कर के हम कैसे पतले होंगे, हम मिठाई खाएंगे। तू भी आया था तो मिठाइयां लेकर आया था तू। अरे वाह, कांसर के फेवरेट पेड़े अप्रतिम। मेरे को पर्सनली पेड़े उतने नहीं पसंद, पर कानवे के फेवरेट है। अरे बट ये पेड़े अच्छे हैं, एक्चुअली अच्छे। थैंक यू। कमेंट्स पढ़े तुमने बाद में? थोड़े बहुत पढ़े हैं, अच्छे आए। आइडिया तो वही है, देख अगर लोगों की क्वेरी सॉल्व करके हम उनके साथ साथ और कुछ लोगों के अगर क्वेश्चंस के जवाब दे दे और कुछ उनको सीखने को मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या चीज। बहुत लोगों ने बोला दिस पॉडकास्ट कॉन्सेप्ट इज नाइस, अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा कम मिठाई छोड़ो, गाड़ी का काम मैं बोलता हूँ, मिठाई की दुकान खोलते हैं, रीसेल करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे हम। फ्री की मिठाई आएगी, पैसे में बेचेंगे, खाना भी लेंगे। बिजनेस एक्सपांड हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। अरे खा के देखो बढ़िया पेड़ है। हमारी तरफ से थैंक बोलना कस्टमर को जो भी लेके आए हैं, वैसे मिठाई के लिए हम हाथ जोड़ के मना करते हैं। अगर हम खाते भी इतनी अच्छी मिठाई हम खा ले, अगर हम खाते भी, मगर हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज मिठाई मत लाइए। पापा ने भी वापस अभी रेगुलर ऑफिस आना शुरू कर दिया है, 3-4 घंटे के लिए आ रहे पर आ रहे हैं, तबीयत उनकी ठीक है। और बहुत लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि कैसी है उनकी तबीयत, तो अभी एकदम बढ़िया है। अभी भी थोड़ा सा रिकवरी मोड पे है, डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते और थोड़ा आराम करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बट इज working and he's walking and everything is fine. Thank you all of you. बाहर खड़ी है मुल्ला का डिलीवरी कर रहा है, मैं कहा स्क्रैच वाली गाड़ी डिलीवरी कैसे हो रही है। सही बात है ना, पेंट हो गई हमारी गाड़ी। ये यहाँ पे राघव ने घस दिया था, शुरू से बोलता है कि मैं गाड़ियाँ ठोकता हूँ। राघव हैज डन मोस्ट ऑफ द डैमेज ऑन ऑल आर कार्स। नहीं यार ये नहीं बोलता, मारेगा। पिछली रैपिड की वीडियो जिसने हमारी देखी है याद होगा, राघव ने बोला था सारी गाड़ियाँ तू ठोकता है। लाइव एग्जांपल ये राघव ने किया। बाकी अभी मैं इसको फटाफट पॉलिश करवा के रेडी करवाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर घर पे एक ही गाड़ी बचती है। ये दुख तो हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं, ये गाड़ी घर पे लगा देंगे कहीं जाने आने के लिए। पिछले कुछ दिनों में हमारा एक और बुरा कट्टा हुआ है, हम लोगों ने बड़े शौक से सालों बाद प्लेस्टेशन 5 मंगाया था। मेरे पास एक प्लेस्टेशन 3 है जो मैं लास्ट 13 साल से यूज कर रहा हूँ और अच्छे से मैंने रखा हुआ है। अब PS5 वापस इंडिया में जैसे ही स्टॉक हुआ हम लोगों ने फटाफट मंगा लिया, यहाँ पर आया गेम लगाया, तो जहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेस उसको ग्राफिक इंटेंसिव प्रोसेसिंग करनी पड़ती है वहाँ वो शटडाउन हो रहा। हमने 7-8 बार ट्राई किया, नहीं चला। फिर अमेजोन में रिप्लेसमेंट की बात की तो उन्होंने बोला हम नया भेजते हैं, अब ये वाला हमें वापस कर दो। अभी अगले 4-5 दिन वो वापस रुकना पड़ेगा। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है ना, नीचे कमेंट आएंगे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है यार अभी इतना तो बनता है ना यार, 10 घंटे इंसान काम करता है तो 6 महीने में 4 बार बेचारा थोड़ा प्लेस्टेशन पे तो खेल सकते हैं ना।
जो भी गाड़ी पे वैक्यूमिंग वगैरह का काम कर रहे हो, दो चीजों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, सीट जैसे थी स्टैंडर्ड पोजीशन पे वापस लेके जानी है, जो इस पे नहीं किया है। दूसरा, ये एसी वेंट, मैं पिछली बार भी गाड़ी में देखा था, काम होने के बाद सारे एसी वेंट नीचे कर देते हो, तो वो सामने की तरफ में होने चाहिए। कैसे? ये वाले दोनों ड्राइवर की तरफ और वो वाले दोनों पैसेंजर की तरफ, वो अरेंज करके रखने हैं कस्टमर के लिए। अगर ये नीचे करके छोड़ दोगे, इरिटेट करता है कस्टमर को ये चीज है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि हम जिस भी तरीके से क्लाइंट का एक्सपीरियंस बेटर कर सके हमें करना है। ये है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट अगर गाड़ी की डिलीवरी ले रहा है तो वो भी अपनी गाड़ी में ये सब एसी वेंट वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें एक्सपीरियंस को बेटर करती हैं। पुराने लोग जो टीम में थे उन्हें तो पता था कि कैसे ये सब चीजें हैंडल करनी है, पर नए लोग जब से जुड़े उनको भी बताना जरूरी हो जाता है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दो। सीट ज्यादा सीधी नहीं होनी चाहिए, बैठने लायक होनी चाहिए। एसी वेंट जो है उसकी पोजीशनिंग सामने सीधी की तरफ होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ महबूब, ये जो फोक्सवैगन स्कॉडा का प्रॉब्लम रहता है ना, वाइपर लग के इधर कलर डैमेज हो जाता है, इसमें भी सेम कलर निकल रहा हुआ है इधर, ये रहा। तो जो टचअप के लिए हमने लिया था ना कलर, इसको आयरन एक्स से थोड़ा हल्का हल्का क्लीन कर, क्लीन करके उसके बाद बेस कोट और क्लियर कोट वैसे ही भर दे दे। स्कॉडा फोक्सवैगन में वाइपर मोड रहता है ना, तो ये वाइपर डायरेक्टली यहाँ से ऐसे उठा नहीं सकते, ये पहले वाइपर ऊपर लेना पड़ता है फिर उसके बाद उठाना पड़ता है। पता नहीं, शायद जो घर पे वॉशिंग के लिए आते हैं, मैंने तो मना किया था वैसे बाबा को, नहीं धुलवाएंगे, एक आध बार किया होगा उसने वाइपर उठा के डैमेज कर दिया होगा। हाँ, आज ब्रो ऑटोमोटिव का रिस्पांस बहुत अच्छा है। 1,00,000 लोगों ने देखा, अब वो कितना देखा है वो तो नहीं पता, पर देखा है। जो हमारा स्टूडियो है ना उसके लिए दो चेयर्स मंगाए हैं। जो मेरे और राघव के ऑफिस की चेयर है ना वो ब्राउन है, उसी का ब्लैक वर्जन है, ये सेम चेयर है। मुझे प्लास्टिक के साथ ये लेदर प्रोडक्ट्स यूज करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, आई मीन ये आर्टिफिशियल लेदर है, बट स्टिल फील खत्म हो जाता है। आई थिंक ब्लैक अच्छा है ना। मैंने ब्लैक इसलिए लिया क्योंकि कैमरा पे वो ब्राउन अलग से हाईलाइट होता था। भैया प्लास्टिक ना पूरा फाड़ देना और चेयर ये रूम में अंदर लेनी है। टाडा, अरे इसकी हाइट कैसे नीचे होती है? रोटेशन मारने आए थे तो पेड़ की टहनी बाहर निकली भी है ना, वो टहनी ग्लास पे लग गई, अभी बदल के दे रहे। हेलो राघव। हाँ। दो मिनट इधर आएगा डेंटिंग एरिया में। क्या हुआ? आ जा बताता हूँ। वो देख उधर वो आ गया लेके। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी तो गाड़ियाँ पीछे तक पूरी लगी हुई थी, तो उधर एक पेड़ बाहर निकला हुआ है। अपना एक बंदा गाड़ी पीछे ले रहा था तो पेड़ की टहनी जो है पीछे के ग्लास में आके लगी। इंक्वायरी थी, गाड़ी हमारे पास आई नहीं है तो वो ग्लास पीछे का गाड़ी का क्रैक कर गया, अभी वो बदल के देना है। ग्लास वाला भी आ गया स्कॉर्पियो। मैंने समझाया उसे बट ठीक है, वो उसके भी हाथ में नहीं था। जो इंक्वायरी करने आए थे वो खाना खाने गए हैं आई थिंक बाहर। मैंने बोला है ग्लास बदल के देते हैं। सुन, उनको बोल देना कि दो दिन गाड़ी धोएंगे नहीं। पुट्टा रहेगा ना? पुट्टा दे दे, बॉक्स दे दे, कुछ भी। चुरा चुरा हो जाएगा क्या? बहुत जोर से सब नीचे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा? हाथ में जरूर घुस जाएगा इधर उधर। ये लगाइए। अरे अंगारों से खेलने वाले इंसानों के साथ आग नहीं लपटेगी तो क्या होगा? इधर भी वो देख, आंख में, हाथ में टाका मारा। ये देख, मेरे इधर भी टांके लगे हैं। पतंग वाला मांजा फंस गया था, वो ऊपर बिल्डिंग से ऐसे लटक रहा था, बाइक चला रहा था मैं, आके इधर अटक गया। ठीक है बदल ले। ठीक है, मतलब कभी कभार हो जाता है भाई, ये रोज रोज नहीं होता। ये 7 साल में पहली बार हुआ है। गणेश वो डिक्की के इधर वैक्यूम कर दियो। अमरनाथ से आया गाड़ी लेके यहाँ पे, अभी 10 दिन बाद वापस आएंगे एक बार चेकिंग के लिए। तब उनके बच्चे को क्या बोलेंगे? बच्चा
तब उनके वो बेटे को भी लेके आएंगे जाए। और तेरे लिए मिठाई लाए वो सब गया, तेरे लिए मिठाई लाए ना भाई, तेरे लिए नहीं, नहीं मतलब हाँ, लेकिन उनका था कि तुझे पर्सनली देना चाहते थे। कस्टमर काफी खुश थे यार, गलत हो गया सब, उल्टा उल्टा हो गया। अरे मिठाई का जिक्र कर बस।